सो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अहमदाबाद से ट्रैवल करके केवड़िया टाउन है, केवड़िया शहर है, अहमदाबाद से लगभग 3-3.5 घंटे की दूरी पे, लगभग 200 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी गई है, चिंतन शिविर, और 5-6-7 को हमें यहाँ पे बैठक करनी है। 3 दिन हमारी बैठक रहेगी। और आज मैं अभी आ रहा था तो मैंने सोचा आपको एक दिखाया जाए, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड। और आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है 597 फीट है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो USA में है उसकी हाइट 305 फीट है, तो ये उससे भी बड़ा है, और दुनिया का सबसे जो टालेस्ट मोनूमेंट इसको माना गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हमारी 560 से ज़्यादा जो रियासतें थीं जो ब्रिटिश सारे भारत को तोड़ तोड़ के गए थे, तो उनको इन्होंने एक कर दिया है। यहाँ पे बहुत मैसिव टूरिज्म की डेवलपमेंट करी गई है। मैं आते हुए देख रहा था, रात का जो व्यू है यहाँ पे देखने लायक है, जिसको पूरे शहर को एक एकता नगर का नाम दिया गया। बहुत ही यहाँ पे बड़ा एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है, उसके आसपास एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक मॉल बनाया गया है, सरकार के द्वारा कई रेस्ट हाउसेज बनाए गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो गया है। काफ़ी 5-6 साल में मुझे पता चला यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने आसपास देखा भी है, जो देखा है मैसिव यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हैं, टूरिज़्म भी बताया गया है। सैटरडे संडे यहाँ पे जो है पैर रखने की जगह नहीं होती है, और 10,000 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही देखने लायक जगह है, और कल मैं आपको इसका दिन का व्यू दिखाऊंगा। रात का व्यू जो है वो बताते हैं, रात का व्यू बहुत ही अच्छा देखने लायक है। और आप देख सकते हैं इसमें लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट इसके ऊपर तक जाती है, और यहाँ से जो ऊपर का नज़ारा है वो हम कल देखेंगे। और एक ट्रिब्यूट है वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, जो हमारी 560 से ज़्यादा रियासतें थी ब्रिटिश टाइम पे, उनको एक कर दिया है। तो ये उनको एक बहुत बड़ी देश की तरफ से ट्रिब्यूट दी गई है, और पूरी दुनिया का टॉलेस्ट मोनूमेंट जो है अब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में है। और मैं आशा करता हूँ आप भी कभी ना कभी देखने ज़रूर आएंगे इसको। जैसे बच्चन साहब कहते हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात। दोस्तों, ये है जो सरदार पटेल जी का स्टैचू है, उसका जो डैम वाली साइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। आपको रात के जो रात की रोशनी में आपको पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी यहाँ पे टूरिज़्म के प्लेसेस हैं सारे के सारे दिख जाएंगे। वो कैक्टस गार्डन है, और उससे आगे भी एक गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन जिसको बोलते हैं। ये रात की रोशनी में देखें आप, बहुत ही अच्छी लाइट है यहाँ पे। यहाँ पे रात को बताया गया लेज़र शो भी होता है। ये आप जो आप देख रहे हैं डैम है, नर्मदा डैम, और इसी डैम की तरफ जो मूर्ति का फेस रखा गया है सरदार पटेल जी का, वो इसी की तरफ रखा गया है। और रात को ये नज़ारा बड़ा ही आकर्षक, और काफ़ी इसमें जो है काफ़ी भारी जो है इसमें दिमाग लगाया गया है, काफ़ी भारी इसमें मेहनत करी गई है। काफ़ी मेहनत का ये नतीजा है कि यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, ये जगह ज़रूर आने लायक है, और टेंट सिटी में रहने लायक है, और आप भी ज़रूर कुछ दिन गुजारें यहाँ पे। दोस्तों, ये एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा इन्होंने क्रिएट किया है वैली ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ से हम आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ से जो कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, वहाँ का बड़ा अच्छा व्यू है, डैम का बड़ा अच्छा व्यू है। तो ये है दोस्तों कैक्टस गार्डन, और ये है आपका बटरफ्लाई गार्डन जो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा डैम, नर्मदा डैम जो बना हुआ है। और इस तरफ जो है रात के इसमें, इस तरफ जो आपके इस डायरेक्शन में स्टैचू बना हुआ है, एक बहुत ही बड़ा जो इन्होंने सेंटर क्रिएट किया है टूरिज़्म के लिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये मॉर्निंग का व्यू है। आई थॉट आपको मॉर्निंग का व्यू भी दिखा दिया जाए। मैसिव स्टैचू 597 फीट हाइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति का जो चेस्ट है वहाँ तक लिफ्ट लगी हुई है, और वहाँ पे जो ऊपर जाती है लिफ्ट, और यहाँ से लगभग अंदर जो है इसके स्टैचू के अंदर 200 लोग खड़े होकर गैलरी से व्यू कर सकते हैं। और सरदार पटेल का जो स्टैचू है उसका जो जो फेस है वो रखा गया है टुवर्ड्स सरदार सरोवर डैम। और ये बहुत ही अच्छी एक जगह लोकेशन चुनी गई है, यहाँ पे आसपास में पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा, गुजरात सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब के द्वारा जो है काफ़ी काम किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, मैंने बताया था, एकता नगर क्रिएट किया गया है, और बहुत मैसिव टूरिज़्म को लेके बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया है।
सो फ्रेंड्स, ये मैं दूसरा व्यू दिखाना चाह रहा हूँ डैम का, और जहाँ यहाँ से पूरा व्यू दिखता है कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन का। और ये आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, इस और जो है स्टैचू है, मैं स्टैचू से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। इस साइड हमारी टेंट सिटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये आप पूरा व्यू देख सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता बताई गई है। और ये कैक्टस गार्डन है और ये बटरफ्लाई गार्डन है उसके साथ। और यहीं पे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक टाइगर सफारी क्रिएट किया गया है, बहुत अच्छा, वो भी आप देख सकते हैं। एक डाइनो पार्क करके क्रिएट किया गया है जहाँ पे डायनासोर की प्रतिमाएं रखी गई हैं बच्चों को दिखाने के लिए। तो एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे आना भी बड़ा आसान है। एकता नगर रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेन आती है, और यहाँ पे वडोदरा, और वडोदरा से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है वडोदरा एयरपोर्ट है, और अहमदाबाद से लगभग 3.5 घंटे की दूरी है बाय रोड, 198 किलोमीटर है। अहमदाबाद से तो कनेक्टिविटी बाय एयर बड़ी ही अच्छी है। सो दोस्तों, ये है हमारा जो आज का वीडियो, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।